विधानसभा चुनाव 2023 के पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसमें भाजपा के आला नेता जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल होने के लिए ग्वालियर चंबल के इलाके में पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यात्रा की जानकारी देने के साथ ही उमा भारती के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय, जन आशीर्वाद यात्रा में जुटेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उमा भारती की उपेक्षा पर दिया सिंधिया ने बयान। सिंधिया ने उमा भारती को बताया पूजनीय सम्माननीय। कांग्रेस के वन अधिकार यात्रा पर साधा निशाना। दरअसल बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने पर पूर्व सीएम उमा भारती मुखर नजर आ रही हैं। ऐसे में उनकी उपेक्षा के आरोप लग रहे थे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, सभी की सम्मानित और पूजनीय हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी चलते हैं। जहाँ तक उमा भारती जी का विषय है, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नहीं लेकिन राष्ट्र स्तर की हमारी नेता है, हमारी सभी की सम्मानित है, हमारी सभी की पूजनीय है और उनके मार्गदर्शन में, खासकर जो मेरा संबंध उनके साथ रहा है, उनके मार्गदर्शन में सदैव चलने की आस्था मेरी स्वतः की रही है। साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा पर सिंधिया ने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी जितने भी यात्रा निकाले, जितने भी गारंटियां दें, उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। देखिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी जितनी भी यात्राएं निकाले, जितनी भी गारंटियां दें, उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। वन अधिकार यात्रा ने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए सरकार बनाए जाने के सवाल पर सिंधिया ने साफ कर दिया कि वह ज्योतिष नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।